प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों को 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह रोजगार मेला देश भर में 46 रोजगार मेले में शामिल युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया भारत कमाल कर रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए नए कर्मचारियों को बधाइयां दी है। पीएम ने कहा कि आज जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद में यह सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है, इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। भगवान गणेश सिद्धि के देवता है। मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राष्ट्र के लक्ष्यों को सिद्धि तक ले जाएगा।